एक बार लच्छू भैया एक होटल में गए और उन्होंने सूप पिया, उन्हें बड़ा मजा आया। बोले सूप बहुत बढ़िया है, सूप पीकर मजा आ गया। उन्होंने अपनी वाइफ को बोला, ऐसा होता है सूप, घर पे कुछ भी बना लेती हो, ये है सूप। ये सुनकर उनकी वाइफ ने बेटे की तरफ देखा, बेटे ने बोला, पापा ये सूप नहीं था, फिंगर बोल जिसमें मैंने हाथ धोए थे वो आपने पी लिया है। अब देखिए वाइफ और बेटा दोनों मजा ले रहे थे और लच्छू भैया कह रहे हैं, कहाँ आ गए होटल में। तो साहब ये है होटल और रेस्टोरेंट के खाने की महिमा। होटल के खाने की महिमा कुछ ऐसी है कि जहाँ होटल की खिचड़ी भी स्वाद का महासागर है, वहीं घर के खाने की बात छोड़िए, क्योंकि घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि घर के खाने में सालों का तजुर्बा और प्यार होता है। यही वजह है कि घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं, बल्कि घर की दाल 56 पकवान के बराबर होती है। इसलिए अब घर की हर डिश को रेस्टोरेंट की हर डिश से ज्यादा सम्मान दिलाएंगे हम। अब प्यार से बने खाने का प्रोफेशनल खाने से मुकाबला करवाएंगे हम। और अब तजुर्बे से बने खाने को तालीम से बने खाने से जीतने का मौका देंगे हम, इस शो में जिसका नाम है संजीव कपूर के किचन खिलाड़ी। किचन खिलाड़ी यानी किचन के वो खास कुक्स जिन्होंने अपने प्यार से और अपने खानदानी तजुर्बे से कुछ डिशेस को इतना खास बनाया है कि उनके जान पहचान वालों में उस डिश का नाम चलता है। और हमारी कोशिश है उसी नाम को सारी दुनिया तक पहुंचाने का मौका देना। इसलिए हमारे किचन खिलाड़ी की डिश को मुकाबला करना होगा हमारे सुपर शेफ में से किसी एक से। हमारे सुपर शेफ्स ने सारी दुनिया घूमी और कुकिंग की हर तालीम हासिल की, और वो हिंदुस्तान के सबसे बेहतर शेफ्स हैं। तो कुकिंग के इस युद्ध में एक तरफ होगा प्यार तो दूसरी तरफ प्रोफेशन, एक तरफ तालीम तो दूसरी तरफ तजुर्बा, और जीत का पैमाना होगा सिर्फ एक, स्वाद। तो सबसे पहले मिलते हैं उनसे जिनके लिए कुकिंग एक आर्ट है, एक जुनून है, एक मकसद है, और सबसे बड़ी बात कुकिंग उनका प्रोफेशन है, यानी हमारे सुपर शेफ विकास सेठ, अजय चोपड़ा, राहुल कुलकर्णी, हरपाल सिंह सोखी और सारांश गोयला। पेश है जायके की जंग में हिस्सा लेने वाले पांच सुपर शेफ महारथियों के महारथी, स्वाद के शहंशाह शेफ अजय चोपड़ा। मैं आपसे मिलूंगा आप ही की रणभूमि में आप ही की डिश के साथ। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर, हिंदुस्तान जिसके दिल में और हिंदुस्तानी खाना जिसकी धड़कन में बसता है, बाय यंग एंड एनर्जेटिक शेफ सारांश। सारांश की कुकिंग टेक्निक्स को तो 11 मुल्क की लेडीज ढूंढ रही है। तकनीक और तालीम का संगम, खाने के स्वाद के साथ साथ खाने की खूबसूरती को जिसने लगाए 4 चांद, द मास्टर, द हेड शेफ ऑफ सैंचोस, शेफ विकास सेठ। स्वाद के शहंशाह को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जायके की महक में जिसने लगाया मस्ती का तड़का, जिसकी हर अदा है अनोखी, वो है सुपर शेफ हरपाल सिंह सोखी। हर एक अच्छी रेसिपी के लिए सोच बहुत जरूरी है, और सोच अगर सच्ची होगी ना खाना बढ़िया बनेगा। जिसकी उंगलियों के इशारों पर थिरकते हैं जायके, जिसका अंदाज है थोड़ा हटके, वो है द कॉनसियर शेफ राहुल कुलकर्णी। इस बोली सूरत पे मत जाइएगा, जब जंग छिड़ेगी तो आपकी डिश क्या मेरे परफेक्शन के सामने टिक पाएगी। सुपर शेफ्स, आप पांचों कुकिंग की दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन आपका मुकाबला होगा एक घरेलू कुक से। पर यह मुकाबला आसान नहीं होगा, क्योंकि मुकाबले की डिश हमारे किचन खिलाड़ी तय करेंगे, जो उनकी बेस्ट डिश होगी, वो डिश जिसे उन्होंने अपने तजुर्बे से सबसे बेहतर बनाया होगा। तो आप तैयार हैं इस अनोखे चैलेंज के लिए? हाँ बिल्कुल तैयार है, ब्रिंग इट ऑन। तो चलिए आपको मिलाते हैं हमारे पहले किचन खिलाड़ी से, प्लीज वेलकम सुषमा टिपनिस।
मुंबई की सुषमा टिपनिस जी और उनके साथ उनके बेटे और गणेश जी बिल्कुल सही समय पे लेके आए। भाई गणपति का जो पूरा माहौल है वो चल रहा है, उसके लिए एकदम परफेक्ट टाइमिंग है आपकी। सुषमा जी वैसे तो आप हाउसवाइफ हैं, लेकिन खाने के साथ आपका बहुत पुराना रिश्ता है। बहुत पुराना रिश्ता है। और आपके जो हस्बैंड हैं, केटरिंग का काम है उनका। आप में और आपके पति में अच्छा खाना कौन बनाता है? मैं खाने के शौकीन है। खाने के शौकीन है, बनाने से बस आपका रिश्ता है। आपने भी कुछ देर के लिए बिजनेस केटरिंग का संभाला था, क्यों? जब निखिल 3-3.5 बरस का था तब मेरे मिस्टर का एक्सीडेंट हुआ था और करीबन 3 बरस उन्हें बहुत सारे ऑपरेशंस जाने पड़े और कैटरिंग का ऑर्डर्स ऑलरेडी हमने लिए हुए थे और सामना करने के लिए कोई नहीं था, तो मैंने डट के सामना किया। मतलब एक बार फिर एक सफल आदमी के पीछे एक सफल औरत थी। अगर हमारे बिजनेस के ब्रेन मेरे पिताजी हैं तो उसका हार्ट यह है। क्या बात है, मतलब आपके पास खाने की भी एक्सपर्टीज है, केटरिंग के बिजनेस की भी एक्सपर्टीज है। ये सिर्फ मेरी मम्मी है इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनका जो रेंज है कुकिंग का, ट्रेडिशनल से लेके इटालियन मेक्सिकन सब चीज का नॉलेज रखती है। बहुत से कुकिंग शोज देखती है, आपके देखती है। चलिए देखते हैं कि आज आपका सामना कौन से सुपर शेफ के साथ करवाया जाए। शेफ हरपाल, शेफ विकास, राहुल, सारांश या फिर अजय, समय ही बताएगा कौन 19 है कौन 20 है। शेफ अजय आप आ जाइए मैदान में। आज तो हमने शेफ अजय चोपड़ा को चुना है, तो रोज किसी एक की तालीम की टक्कर किसी के तजुर्बे से होगी, तो कमर कस लीजिए। थैंक यू। आज सुषमा जी को प्रोत्साहित करने के लिए ना सिर्फ उनके बेटे आए हैं बल्कि पूरा टिपनिस परिवार आया है। प्लीज वेलकम। ये मेरी प्यारी सी बहू है समीरा, और ये मेरे जान से भी प्यारे पति जी हैं। आपकी मम्मी जो है आज शेफ अजय का सामना कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? जो डिश बना रही हैं वो ट्रेडिशनल डिशेज हैं, उनकी स्पेशलिटी है। ओके। लेकिन मेरे को तो लगता है कि अगर ये शो रिवर्स भी होता था कि अगर आपकी डिशेज और इनका ये अगर चैलेंज देती थी तो भी सिचुएशन कोई डिफिकल्ट नहीं होती। क्या बात है, आइए सुषमा जी, अजय, चलिए आप इनका जरा प्रोत्साहन कर दें जोरदार तालियों से। ये है रिंग, वो जगह जहां आप अपनी डिश को सम्मान दिला सकती हैं। ये वो जगह है जहां आपके कई सालों के तजुर्बे को मुकाम मिल सकता है। एक सुपर शेफ से जंग, आपको इस बात का एहसास भी है आपने कितना बड़ा चैलेंज ले लिया है। चैलेंज में ही तो मजा है। आपको अंदाजा भी है कि इन्होंने प्रोफेशनल कुकिंग की कितनी तालीम ली? वो तो हर बार देखा है टीवी पर उन्होंने। ये अंदाजा होने के बावजूद आपने कदम उठाया, काबिले तारीफ। अगर आज आपकी डिश एक सुपर शेफ को हरा देती है तो आपको मिलेगा वो स्वाद का सरताज। ये स्वाद का सरताज इस बात की निशानी होगी कि आपने इस चैलेंज में अपने तजुर्बे से तालीम को मात दी। और शेफ अजय अगर आज हार जाते हैं तो उनके सम्मान का ये प्रतीक शेफ्स बैज ये भी दांव पर लगा है। ये इनको खोना होगा और इसे आपको देना होगा। Be careful. I accept the challenge. चलिए चैलेंज एक्सेप्ट हो गया तो पेश किया जाए चम्मच भर जायका।
ये पहला पड़ाव है। यहां आने वाले हर सुपर शेफ ने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, इसलिए उन्हें हमारे किचन खिलाड़ी की डिश का सिर्फ चम्मच भर जायका ही मिलेगा। आपको इस डिश को चखकर यह बताना है डिश कौन सी है, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं। मोदक लेके आई है। मोदक मैंने आज तक नहीं बनाए। मोमोज बनाए हो? मोमोज बनाए हैं, लेकिन मोदक और मोमोज में बहुत अंतर होता है। इतना जूसी, इतना सॉफ्ट, इतना मॉइस्ट मोदक मैंने पहली बार खाया। मोदक, मोदक, उकड़ी चे मोदक, उकड़ी से मोदक। पंजाबी हूँ, पंजाबी। वो मोदक मोदक कब बन जाता है पता नहीं चलता सर। कोकोनट होता है, जैगरी होता है, राइस फ्लावर होता है, नमक होता है, थोड़ा घी होता है, बस हो गया। That's it, सिंपल। बस सही बोला। इतनी आसान डिश तो नहीं लाएंगी ये। बराबर। अगली डिश चखें। कुछ खिचड़ी जैसा टेक्सचर लग रहा है, लेकिन ये खिचड़ी है कि पुलाव ये थोड़ा जानना पड़ेगा। इसके अंदर है वाल, चावल, हल्दी, बाकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं मुझे सोचना पड़ रहा है। आपका जो स्पेसिफिक घोड़ा मसाला का जो टेस्ट होता है वो आ रहा है मुझे, बाकी बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा फ्लेवर है। मैं सही बता रहा हूँ कि वाल की खिचड़ी अगर इतनी टेस्टी हो सकती है तो लोग नॉनवेज खाना छोड़ सकते हैं। चलिए, गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर शेफ अजय चोपड़ा और सुषमा जी का मुकाबला होगा तो महाराष्ट्रियन स्पेशलिटी डिशेस को लेकर, वालाची सोजी और उकड़ीचे मोदक यानी स्टीम्ड मोदक। शेफ अजय चोपड़ा को ये दोनों डिशेस बनानी है और उनसे बेहतर बनानी है जीतने के लिए, क्योंकि इनके पास है प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो आपके पास नहीं है। आपका साथ देने के लिए हम आपको चुनने का मौका देंगे, आपके साथ हेल्प करने के लिए आपको मिलेगा एक स्वाद का सारथी। किसको चुनना चाहेंगे आप? मेरी बहू को चुनूंगी। बहू को क्यों? उसको जरा सताने का मन कर रहा है। अब ये देखिए, प्यार से जो आपने सताया है ना, मानना पड़ेगा आपको। आइए, सुषमा जी, ये डिशेस बनाने में कितना समय लगता है आपको? 45 मिनट काफी हो जाएंगे। 45 मिनट काफी हो जाएंगे, भाई वाह। इनको 45 मिनट, इनको 45 लगते हैं, आप 30 में बना सकते हैं। और भी कम? मुझे लगा कि आप मुझे एक घंटा देंगे कम से कम। यहाँ दो लोग हैं, उनकी डिशेस शेफ, क्या कर रहे हैं आप? मेरे गोंग बजाते ही समय की चक्की शुरू हो जाएगी। तैयार है आप लोग? तैयार। आपका समय शुरू होता है अब। वेल, जैसे ही गोंग बजा, 45 मिनट का टाइम था, बहुत कम टाइम मुझे लग रहा था क्योंकि दोनों डिशेस मैंने आज तक कभी बनाई नहीं थी। पर एक अंदाज़ा चल रहा था कि एक तहरी बनाने को कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं अगर सारा सामान रेडी है तो, और एक मोदक बनाने को कितना टाइम लगता है, आई हैड नो आइडिया मेट। मोदक, मोदक के लिए जो फीलिंग करने की है वो नारियल गुड़ डाल के उसमें इलायची पाउडर और सब डाल के उसका ये बनाना है, और डो बनाने का है ये जो चावल का आटा है उसमें इक्वल अमाउंट में पानी डाल के उसका डो बनाया जाता है। वाल ये जो है ये स्प्राउटेड वाल से बनेगा, इसके साथ राइस को सोक किया जाएगा और साथ में एक तड़का बनेगा इसका, प्याज और शायद थोड़ा ग्रीन चिली है, रेड चिली है, थोड़ा जिंजर है, लेमन जूस है, और इसी का पेस्ट बनाने के बाद बढ़िया सी वालाची सोजी बनाऊंगा डेफिनेटली। वालाची सोजी के लिए प्रोसीजर है, ये वाल को जरा सॉटे करना पड़ेगा अच्छी तरह से, और फिर वो होने के बाद उसमें चावल डाल के चावल को थोड़ी देर पहले भिगा के रखना चाहिए, और ओरिजिनल प्रोसीजर है नारियल के दूध में उसको पकाना पड़ेगा।
प्लान किया था कि सातों साथ दोनों भी डिशेस बनाने के हैं, इसलिए मैंने पहले गैस पर चावल का प्रिपरेशन शुरू किया क्योंकि वो पकने के जब वक्त था उसी दरमियान मैं मोदक की तैयारी कर सकूं। जब चावल पकने को शुरू हो गया तब तक मैंने साइड बाय साइड मोदक के प्रिपरेशन के लिए मैंने सामग्री रेडी रखी थी। वाला जी, सोजी ने देखा है कि महाराष्ट्र लोग खिचड़ी बनाते हैं चावल के साथ, मसाला पुलाव बनाते हैं, मसाला भात बनाते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों का मेल मिलाप करके कुछ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक मिक्सचर बना रहा हूँ जिसमें प्याज और कोकोनट को मैं ब्राउन कर रहा हूँ। साथ में मेरे पास एक ग्राइंड करी हुई पेस्ट है, वो मैं पकाऊंगा वाल के साथ और उसके बाद उसमें चावल जाएगा, मसाले जाएंगे और बढ़िया सी वाल सोजी आपके सामने। आपकी वाल है उसकी खिचड़ी बनाने के लिए चावल आपने लेकर, इसमें कुछ नारियल की खुशबू आ रही है मुझे। नारियल का दूध है। नारियल का दूध है और ये मसाले के साथ में भून के चावल और वाल साथ में पक रहे हैं और नारियल के दूध के साथ में। जो वाला ची सोजी मिसेस टिपनिस लेके आई हैं वो टेस्ट में इतनी बेहतरीन है कि मुझे डर लग रहा था कि टेस्ट में मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ। महाराष्ट्रियन फ्लेवर्स की बात हो रही है और अगर वड़ा पाव की चटनी जिसे कि भुक्की बोलते हैं उसी चटनी को लेके मैंने उसमें थोड़ा लिक्विड ग्लूकोज मिलाया है, उसका एक डो बनाया है। अब उसे मैं एक ये सिलिकॉन शीट पे रोल कर रहा हूँ बिल्कुल पतला और इसे मैं बेक करूंगा ताकि ये क्रिस्प हो जाएगी। वेल, देखते हैं कितनी क्रिस्प होती है। और ये क्रिस्प वाला चीज सोजी के ऊपर जाएगी। सुषमा जी, यस, ये आप नमक डाल रही हैं? हाँ। चम्मच से लेके पहले हाथ में और हाथ से इसमें। इसे तो अंदाज है। मेरे ख्याल से मेजरमेंट के साथ साथ हाँ। इसमें वो जो हाथ लग जाता है ना हाँ, वो हाथ का टेस्ट आ गया इसके अंदर। अच्छा, तो ये आपने यहाँ पर हाँ। ये जो मोदक है उसकी स्टफिंग के लिए हाँ। आपने ये नारियल के साथ में थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा नमक और डालते हैं ना हाँ। तो स्वाद बढ़ता है बिल्कुल हाँ। इवन शीरा जब हम बनाते हैं घर पे उसमें भी हम लोग डालते हैं। बिल्कुल, ये टिप सबके नोट करने वाली है। चाहे वो मोदक हो या फिर सोजी, दोनों चीजें 5-स्टार होटल्स में नहीं बनती हैं, तो इसलिए शेफ अजय जो हैं वो अपने अंदाजे से बना रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि बढ़िया बन जाएगा, लेकिन बढ़िया कितना बनता है वो तो चखने के बाद ही पता चलेगा। खैर, आगे जो मोदक हैं उसका आटा गूंदना ये कलाकारी है। ये कलाकारी मैं निभा लूंगा शेफ। राइस डिमसम का जो डो बनता है वो बिल्कुल इसी तरह से बनता है। टेक्सचर मैंने जान लिया है, थोड़ा सा उसको मोटा रखूंगा, हो जाए। गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर शेफ अजय चोपड़ा और सुषमा जी का मुकाबला दो महाराष्ट्रियन स्पेशलिटी डिशेस को लेकर, वालाची सोजी जो एक तरह की वाल से बनी हुई खिचड़ी है और उकड़ी से मोदक यानी स्टीम्ड मोदक। हाँ जी, क्या चल रहा है? सब कुछ एक साथ चल रहा है, देख रहे हैं आप, चारों चीजें बिजी हैं। मोदक का डो रेडी हो गया है, मोदक का स्टफिंग रेडी हो गया, मुझे सिर्फ मोदक बनाने हैं। I'm ready. शेफ, इसके अंदर एक गड़बड़ी। बोलिए शेफ। ये डिमसम के लिए तो परफेक्ट है लेकिन मोदक के लिए नहीं। आई थिंक थोड़ा सॉफ्ट है। नहीं, एक कमी है। प्यार नहीं है। प्यार भी है। फिर क्या कमी हो गई? वही कमी है जो हिंदुस्तानी खाने और चाइनीज खाने में अंतर होता है, वो कमी है इसके। बहुत बड़ी दुविधा का क्वेश्चन डाल रहे हैं सब आप दिमाग में। बहुत बड़ी दुविधा है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए। मुझे मालूम था कि ये जो ट्रेडिशनल खाना है और वो पहली बार ही बना रहे थे, तो जो मोदक का आटा जो है उनसे तो बनने वाला नहीं, क्योंकि मोमोज और मोदक में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए मुझे हेल्पिंग हैंड बहुत अच्छा मिला है। इसको थोड़ा घी लगाते रहना पड़ता है, नहीं तो हाथ को चिपक जाता है। तो घी और पानी मिक्स करके हाथ पे लगाते रहो और कल वो बनाते रहो। थोड़ा पतला करना चाहिए और थोड़ा। जिन्हें जो डो बनाया है
उसके अंदर घी, देसी घी का जब तक फ्लेवर नहीं आएगा तब तक मोदक का मज़ा नहीं आएगा। वो उन्होंने छोड़ दिया है चाइनीज अंदाज में मोदक ना। समय सिर्फ 15 मिनट बचा है आपके पास। देखिए, प्याज भूनना भूल गए थे और आपने उसमें काफी समय लगा दिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि समय आपके साथ ना रहे। आज सालों से आप बना रही हैं, लेकिन ये खेल है मिनटों का। रेसिपी में वो पहले पड़ता है चावल के साथ में, तो मुझे वो मैंने बाद में डाला, लेकिन टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला था, वो मुझे पूरा पता था, क्योंकि उसमें जो मसाला पड़ रहा है वो सब परफेक्ट था, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरी टेस्ट तो बराबर हो जाएगी। आखिरी 5 मिनट बचे हैं। मोदक भी तैयार होने चाहिए और वाल की खिचड़ी भी तैयार होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि सब लोग कहें कि महाराष्ट्र की ये दोनों डिशेज पूरे हिंदुस्तान में बने। सुषमा जी की दोनों डिशेस ऑलमोस्ट रेडी हैं, मोदक स्टीम हो चुके हैं, जो खिचड़ी है उनकी वो भी ऑलमोस्ट तैयार है। स्वाद अच्छा होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं, शेफ अजय जूझ रहे हैं, इस समय समय उनके साथ नहीं है। आखिरी 15 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, that's it. चलिए देखते हैं किसके स्वाद में है दम। डिशेस आप दोनों ने तैयार कर ली, लेकिन हार जीत का फैसला होगा इन डिशेस को चखने के बाद, और ये डिशेस चखी जाएंगी स्वाद क्षेत्र में। चलिए चलते हैं स्वाद क्षेत्र में। दोनों ने दो दो डिशेस बनाई हैं और हर डिश में 10 में से अंक मिलेंगे। दोनों डिशेस के मार्क्स जोड़ के विनर डिसाइड होगा। किसने कर दिया कमाल अभी पता चल जाएगा। आपने ये जो वाल का कमाल दिखाया है, बहुत बढ़िया स्वाद, थोड़ा तीखा भी है, मीठा भी है, परफेक्ट। और जो नमक आपने डाला है वो तो फैन हो गया मैं आपका। इसमें आपको सुषमा जी मिलते हैं 10 में से 8 अंक। वेल डन। शेफ, आपने जो चटनी ली है, जब ये दोनों को मिला के खाते हैं तब इसका स्वाद एकदम निखर के आता है। इसमें मिठास थोड़ी सी और बढ़ सकती थी, प्यार की मिठास ज्यादा थी और मेरे पास वो थोड़ी कम है, लेकिन इसमें आपको मिलते हैं 8 अंक। क्या बात।
सुषमा जी, आपने जो मोदक बनाए हैं इसके अंदर जो स्टफिंग है नारियल और गुड़ की, उसमें मिठास, मिठास के साथ साथ प्रोपोर्शन और जो इसमें मॉइस्चर है वो भरपूर, मेल्ट इन माउथ है, डिलिशियस हैं, दिल खुश करने वाले हैं। गणेश जी बहुत खुश होंगे इसको खा के। मैं आपको देता हूं 10 में से 8 अंक। वेल डन शेफ अजय चोपड़ा। अब यहां शेफ की तालीम काम आती है कि जो काम आपने पहले किया नहीं उसमें भी आपने अपनी कलाकारी कारीगरी दिखा के, शेप परफेक्ट नहीं आई लेकिन जो स्टफिंग है वो पूरी तरह से परफेक्ट। ये एक ऐसी चीज है जो कलाकारी से काम पूरी तरह से होता नहीं है। वो सही तालमेल, कितना मॉइस्चर, कितना पकना चाहिए, वो मुझे अभी सीखना बाकी है। आई एम श्योर कि आप से एक क्लास जरूर लूंगा। तो इसमें शेफ अजय आपको मिलते हैं 10 में से 7 अंक। वेल डन सुषमा जी, आप जीत गई हैं। पहला स्वाद का सरताज सुषमा टिपनिस जी के नाम। कांग्रेचुलेशन, वेल डन। शेफ अजय, आप अपना शेफ बैच सुषमा जी को दें। मेरी माँ ने मुझे शेफ बनाया और आज आपने एक बार फिर से वही दिन याद दिला दिया। माँ, आपकी वजह से ही मिला था और आज आप ही को जा रहा है। कांग्रेचुलेशन। तालीम और तजुर्बे की जंग में आज जीत हुई सुषमा टिपनिस जी की। दोनों ही रेसिपीज कमाल की थी लेकिन उनके बनाए हुए मोदक की बात ही कुछ अलग है। आप भी मजा लें इस रेसिपी का, बना के देखिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, गुड नाइट। यदि आप बनना चाहते हैं किचन के खिलाड़ी तो SMS करें SKKK52525 पर। मोदक बनाने के लिए चावल का आटा है, नारियल है, गुड़ है, इलायची का पाउडर है। एक कप पानी लीजिए और एक कप आटा। पानी को उबालने के लिए रखिए। पानी में एक चम्मच घी और थोड़ा सॉल्ट डाल के उसके अच्छी तरह से उबालने के बाद वो चावल का आटा उसमें डाल दीजिए। उसको स्टीम अच्छी तरह से आके 10 मिनट तक ढक दीजिए। गुड़ और नारियल कसा हुआ और साथ में उसमें इलायची का पाउडर और केसर डालो। थोड़ा घी में उसको भून के लेना है। गोले बना के उसको अच्छी तरह से उसको मोदक का आकार दीजिए और मोदक को स्टीम करने के लिए रखना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।